फ्रेंड्स हम आ गए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आप देख रहे हैं कि मेरी जो काली लिनक्स का डेस्कटॉप है इसमें काफ़ी कुछ जो आप फोल्डर बोल रहे हैं फोल्डर्स होंगे कुछ एक आइकन्स होंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये यह यहाँ पे जो फोल्डर्स दिख रहे हैं इनको फोल्डर ना कह के हम इनको बोलते हैं डायरेक्टरीज क्या बोलते हैं डायरेक्टरीज़ बोलते हैं और ये जो आपका फ़ाइल सिस्टम आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इसका वो जैसे क्लिक करेंगे ये आप ये मानिए विंडो से अगर कंपेयर करेंगे तो ये विंडो टेन में जैसे दिस पी नाम का आइकन होता है उसको जैसे आप खोलते हैं तो आपके अंदर में जितनी ड्राइव्स होती हैं वो सारी दिख जाती हैं यहाँ पर जैसे आपका ये कंप्यूटर है पिक्चर्स है क्या है इसके अंदर में तो ये सब आपको दिखता है तो आप जैसे आप इंस्टॉल किया होगा तो आपको सिर्फ फाइल सिस्टम मिलेगा ये ट्रैश मिलेगा ट्रैश का जैसे रिसाइकल बिन होता है हमारा वैसे है तो अभी क्या करेंगे हम एक आपको यहाँ डेस्कटॉप का व्यू पता चल गया नेक्स्ट आपका स्टार्ट बटन जैसे विंडोज़ का यहाँ पे है मेरा आप देख पा रहे हैं यहाँ से तो लिनक्स के केस में ऐसा नहीं है तो लिनक्स के केस में यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन मिलेगा तो यहाँ आपके डिफरेंट डिफरेंट्स जो हैं ये सारे के सारे टूल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज़ करेंगे और वल्नरेबिलिटी को वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे तो हर एक टूल का डिफरेंट डिफरेंट काम है तो हम क्या करेंगे इन टूल्स के बारे में बता दिया आपको डेस्कटॉप के बारे में बता दिया तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बेसिक्स कमांड्स कुछ एक कमांड्स जो तो जैसे ही आप काली लिनक्स खोलेंगे ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे और ओपन टर्मिनल तो टर्मिनल पे जाएंगे यहाँ पे जितना भी काम होगा ज़्यादातर कहाँ होगा टर्मिनल पे ही होगा जैसे मैंने आपको बताया था कि काली लिनक्स जो है ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है तो ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि इसका कोड जो है फ्री है कोई भी डेवलपर इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है कोई अगर प्रोग्रामर चाहता है इसमें कोई मॉडिफाई तो आप इसके कोड को लेके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अगर आपको जानकारी है तो सो दिस इज़ द रीज़न दैट वाई वी कॉल्ड इट एज ओपन सोर्स तो सबसे पहले हमारा टर्मिनल खुल गया है टर्मिनल खुलने के बाद में हमें सबसे पहली कमांड जो यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको मैं वो कमांड है एस यू डी सूडो एस यू एंटर मारूंगा ये मेरा पासवर्ड मांगेगा पासवर्ड मैं आप यहाँ पे दे देता हूँ अपना ओके okay. अब ये कमांड है क्या सूडो का मतलब है सुपर यूज़र डू ओके सुपर यूजर डू सुपर यूजर तो ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है जैसे ही आप ये लिखेंगे तो अगर विंडो से कंपेयर करें तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी टास्क को जो परफॉर्म करना चाहते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज से परफॉर्म करना चाहते हैं तो पहली कमांड इसकी सूडो है अगर आप कोई भी फाइल खोलना चाहते हैं फोल्डर खोलना चाहते हैं जिसको आप एडमिन राइट्स की ज़रूरत है तो आपको ये कमांड जो है वो लगानी ही पड़ेगी ओके तो एक कमांड हो गई इसकी सूडो एस यू नेक्स्ट कमांड जो आती है इसकी वो आती है आपकी हु एम आई ओके हु एम आई नो वट इज दिस मैंने इससे पूछा कि हु एम आई कि मैं कौन हूँ कौन मीन्स मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे मतलब कौन सी डायरेक्टरी में हूँ कौन सी डायरेक्टरी में हूँ तो मैं नाउ ही इज रिप्लाइंग मी दैट आई एम इन द रूट डायरेक्टरी तो कहाँ पे हूँ मैं रूट डायरेक्टरी में हूँ ओके okay. तो पहली कमांड आपको पता चल गई हु एम आई पहली सुपर यूज़र डो एस यू सू डो एस यू सेकेंड हो गई आपकी यू एम आई थर्ड कमांड जो इसकी आपके आएगी वो आएगी पी डब्ल्यू डी पी डब्ल्यू डी पी डब्ल्यू डी का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं किस डायरेक्टरी में हूँ तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि यहाँ पे डायरेक्टरीज होती हैं ना कि फ़ोल्डर तो आप अगर विंडोज़ में होते तो आप ये बोलते कि आप डेस्कटॉप का जो फोल्डर है उसके अंदर में है ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे क्या होगा आपका सारा का सारा आप कहाँ पे हैं डायरेक्टरी में हैं तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप क्लियर के लिए सी एल ई ए आर क्लियर मारेंगे तो हमारा स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगा ओके तो यहाँ पे आपको रूट दिख रहा है इट मीन्स कि आई एम ए रूट यूज़र तो मैंने क्या कर रखा है रूट यूज़र के पेविजे से लॉग इन कर रखा है मतलब सूडो एस यू कमांड मैंने लगा रखी है तो सूडो एस यू के बारे में पता लग गया आपको वो एम आई के बारे में पता लग गया पी डब्ल्यू डी के बारे में पता लग गया नेक्स्ट जो कमांड हमारी आती है वो हमारी कमांड आती है एल एस एल एस का मतलब होता है लिस्ट एल एस स्मॉल में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे यहाँ जितनी भी कमांड्स आप यूज करेंगे काली लिनक्स में टर्मिनल पे कुछ भी आप यूज़ करेंगे तो ये क्या है केस सेंसिटिव है क्या है ये केस सेंसिटिव तो केस सेंसिटिव होने की वजह से अगर कैपिटल एल का मतलब अलग होगा स्मॉल एल का मतलब अलग होगा तो जैसे मैं एल एस लिखूंगा तो ये मुझे जितनी भी फाइल्स डेस्कटॉप पे रखी हुई हैं यहाँ पे उन सब की लिस्ट दे देगा ओके लेट्स सी व्हाट हैपन तो मैंने क्या किया एल एस मारा तो मुझे सारी की सारी फ़ाइल्स और फोल्डर डायरेक्टरीज बोल सकते हैं फाइल्स और डायरेक्टरीज दिखा रहा है कि ये कहाँ पे हैं कहाँ कहाँ क्या, क्या क्या रखा हुआ ओके okay, तो मैं आपको अपना डेस्क दिखा देता हूँ डेस्कटॉप दिखाता हूँ देखिए तो यहाँ वन टू थ्री नाम की फाइल है एंड्रॉड की फाइल है, फोल्डर है डायरेक्ट्री है बी लॉगर की डायरेक्ट्री है तो सब आपको ये यह यहाँ पर दिख रहा है ओके तो आपको ये क्लियर पता चल गया कि क्या है ये अब मुझे सपोज़ कीजिए कि इस किसी के अंदर जाना है अंदर किसके जाना है यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ आपको मैं ये ये डायरेक्टरी के अंदर देखना है कि क्या है तो उसके लिए जो मैं कमांड यूज करूँगा वो कमांड का है सी डी स्मॉल में लिखूंगा सी डी सी डी का मतलब चेंज डायरेक्टरी सी डी लिख के एक स्पेस देना है उसके बाद में उस डायरेक्टरी का नाम लिखना है मुझे जिसमें जाना है ए कैपिटल आएगा ए एन डी आर ओ आएगा उसके बाद में कैपिटल आर ए टी बिकॉज इट इज़ ए केस सेंसिटिव ओके नो आई एम प्रेसिंग द एंटर नो आई हैव रीच्ड इन द ए एंड्रो रेड डायरेक्ट्री कैसे पता लगेगा कि मैं एंड्रो डायरेक्टरी में हूँ मैं फिर से एक बार एल एस मारता हूँ स्मॉल में सॉरी एल एस स्मॉल ओके तो ये देखिए आप एंड्रॉयड कोड है डम्प्स है ये सारी की सारी फाइल्स कहाँ रखी पड़ी हैं ये आपके इस फोल्डर में ये जो फोल्डर आपको यहाँ पे दिख रहा है ओके okay. तो फ्रेंड्स आपने एल के बारे में जान लिया सी के बारे में जान लिया अगली जो आपकी फाइल आ, आ, कमांड आती है वो आती है एम के डी आई आर तो मैं इसको एक बार फिर से क्लियर कर लेता हूँ अगर आपको लग रहा है कि ये आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको जो है दोबारा से देखें एक बार दो बार तीन बार चार बार जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता तब तक इसको देखें क्योंकि कमांड्स बहुत ही ज़रूरी हैं बहुत ही इसेंशियल सा कमांड तो कमांड्स क्लियर होंगी आपको उसके बाद ही आप इसमें आगे काम कर पाएंगे तो क्या करते हैं अभी हम नेक्स्ट कमांड है हमारी मेक डायरेक्टरी एम के डी आई आर एम के का मतलब है मेक डी आई आर का मतलब है डायरेक्टरी तो हम मेक डायरेक्टरी कमांड जब यूज़ करेंगे तो कैसे करनी है एम के डी आई आर लिखना है उसके बाद एक स्पेस देना है उसके बाद देना है हमें डायरेक्टरी का नाम नो मैं अभी यहाँ पे ये यह बोल रहा हूँ कि डायरेक्टरी डायरेक्टरी से मतलब हमारा क्या है फोल्डर फ़ाइल नहीं है फाइल इज़ डिफ़रेंट थिंग फाइल एक अलग चीज़ है ठीक है तो मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ कहाँ पे बना रहा हूँ एंड्रॉयड में बन रही है ना तो मैं इसमें ना बना करके मैं डेस्कटॉप पे बनाना है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर वापस आ जाता हूँ तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सी अभी एक कमांड और समझ जाएंगे आप जैसे ही हमें एक स्टेप पीछे जाना है अगर किसी फोल्डर से बाहर निकलना है तो हमें सी लिख करके एक स्पेस देना है उसके बाद दो डॉट मारने हैं ओके दो डॉट प्रेस करेंगे एंटर करेंगे तो हम कहाँ पे आ गए अभी वापस से रूट में देख पा रहे हैं आप तो हम कहाँ पे आ गए डेस्कटॉप पे आ गए रूट यूज़र के प्रिवलेजेस तो चल ही रही हैं तो अभी हम कहाँ पे हैं डेस्कटॉप पे तो मैं फिर से एल एस मारता हूँ ताकि आपको पता लगे ओके देख पा रहे हैं आप कहाँ पर हैं हम फिर से डेस्क टॉप हैं तो मैं फिर से यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ इसको सी के बारे में बता दिया आपको मैंने मेक डायरेक्ट्री बनाएंगे अभी यहाँ पर एम के डी आई आर तो मैं डायरेक्टरी का नाम दे देता हूँ जीनियस मिस्टर जीनियस ऑफिशियल मिस्टर जीनियस ऑफिशियल ओके जो हमारे चैनल का नाम है तो मैं एंटर मारता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए मिस्टर जीनियस ऑफिशियल के नाम की एक डायरेक्टरी बन गई है अब इस डायरेक्टरी को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे पूरी की पूरी डायरेक्टरी ये खाली है तो मैं क्या करूँगा इस डायरेक्टरी के अंदर एक और मुझे फो डायरेक्टरी बनानी है मतलब फ़ोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे फिर से जाऊँगा एम के डी आई आर स्पेस कहाँ पे बनानी है दोबारा से ये अपना डेस्कटॉप पे हूँ अभी मैं तो मुझे जाना कहाँ पे पड़ेगा उसके लिए तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सी करता हूँ स्पेस देता हूँ मिस्टर जीनियस ऑफिशियल एंटर मारता हूँ तो अब मैं कहाँ पे आ गया मिस्टर जीनियस ऑफिशियल में अब यहाँ पे फिर से डायरेक्टरी बनानी है तो सेम कमांड यूज़ करूंगा मैं यहाँ पे वहाँ से भी कर सकते हैं आप पाथ दे के भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ वन लिख देता हूँ इसमें वन टू थ्री तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फिर से डायरेक्टरी बन गई तो आपको पता लग गया कि डायरेक्ट्री बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं हम एम के डी आई आर अब अगर हमें किसी डायरेक्ट्री के अंदर में कोई फाइल क्रिएट करनी है ओके मैं अभी यहाँ पे हूँ यहीं पे मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है इसी फोल्डर पे जो ये दिख रही है आपको यहाँ देखिए मिस्टर जीनीस ऑफिशियल में हूँ मैं और यहाँ पे ये यह रखा हुआ है एल मारता इमारतों मैं क्या है यहाँ पे ये यह वन टू थ्री वाला फोल्डर जो है डायरेक्टरी है ये रखी हुई है तो मुझे क्या करना है यहाँ एक फ़ाइल क्रिएट करनी है टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा फ़ाइल क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कमांड टच का टी ओ यू सी एच ओके टच लिखेंगे स्पेस देंगे तो मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ दोबारा से जीनियस डॉट टी एक्स टी एक बात याद रखिए हमेशा कभी भी आपने लिनक्स में कोई फाइल क्रिएट करनी है एम फाइल हो या कुछ भी करना है तो आपको उसका एक्सटेंशन ज़रूर लिखना है तो यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है टी एक्स टी है एंटर मारता हूँ नो यू कैन सी दैट इज नेम जीनियस ओके फाइल नेम जीनियस है जीनियस ऑफिशियल फोल्डर एड डायरेक्ट्री ओके अब यहाँ पे एक फ़ाइल बन गई यहाँ पे डायरेक्टरी बन गई अब मैं क्या करता हूँ वापस से डेस्कटॉप पे जाता हूँ यहाँ से देखिए अब मैं कहाँ पे हूँ यहाँ पे हूँ यहाँ से वापस जाना है मुझे तो सिंपल मैं सी डी लिखूँगा स्पेस लिखूँगा और दो डॉट मारूँगा ओके तो मैं कहाँ आ गया फिर से डेस्कटॉप पे तो फ्रेंड्स अभी आपको जो मेन चीज़ मैं बताने वाला हूँ अब क्या करना है मुझे अगर ये फोल्डर को डिलीट करना है इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने की जो कमांड है वो है हमारी आर एम सॉरी आर एम डी आई आर ओके स्पेस देके उस डायरेक्टरी का नाम देना है जिसे हमें डिलीट करना है सिंपल सा फंडा है आर एम डी आई आर स्पेस उस डायरेक्टरी का नाम जिसे हमें डिलीट करना है तो जब मैं उस फाइल नाम दूंगा डायरेक्टरी का सपोज पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एक सेकेंड एम के डी आई आर ई जेड ओके तो मैंने डायरेक्टर एक और क्रिएट कर दी है ए जेड की अब मैं इसको रिमूव करता हूँ तो आर एम डी आई आर ई जेड तो आप देखना ये डिलीट हो जाएगी ओके okay. तो इसको डिलीट करने का क्या है आपका कमांड क्या है आर एम डी आई आर आर एम डी आई आर को लिखता हूँ एंटर मारता हूँ तो आप देखिए वो डिलीट हो गई यहाँ से लेकिन वो डिलीट होने के साथ साथ अगर मैं इसको सेम कमांड से यूज करके डिलीट करना चाहूंगा तो क्या ये होगी लेट सी dir स्पेस मिस्टर जीनियस ऑफिशियल ओके मिस्टर जीनियस ऑफिशियल लिख दिया हमने आर एम डी आई आर कमांड लगा दी अब यहां पे एंटर मारता हूं तो देखिए इसने बोला कि फेल्ड टू रिमूव नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट ऐसा क्यों हो रहा है तो हम आपको रीज़न बताते हैं फाइल को डिलीट करने के लिए फ़ोल्डर को डिलीट कर डिलीट करने के लिए आप सिंपल कमांड यूज़ करते आर एम डी आई आर लेकिन जब आप किसी ऐसे फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं किसी ऐसी डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं जिसके अंदर में कुछ पहले से फाइल्स हैं फोल्डर्स हैं तो उस केस में हमारी कमांड जो है वो चेंज होगी वो क्या कमांड होगी थोड़ा पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ हमारे टर्मिनल को क्लियर लिखता हूं तो मेरी स्क्रीन जो है दोबारा आ गई यहां पे तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मुझे इसे डिलीट करना है तो यहां पे मैं कमांड लगाऊंगा आर एम ओके स्पेस स्पेस हाइफन आर यहां पे आर का मतलब है रिकर्सिव ओके रिकर्सिव अब लिखेंगे उस डायरेक्टरी का नाम जिसे मुझे डिलीट करना है तो मैं लिखूंगा मिस्टर जीनियस ऑफिशियल ओके नाउ दैट्स ऑल बस इतना लिख दिया एंटर मार दिया अब देख सकते हैं कि वो फाइल फोल्डर उसके अंदर जो भी था वो सारा का सारा यहाँ से गायब हो चुका है अब अगली जो कमांड हमें आती है वो आती है सी पी सी पी सिंपल सी कमांड है इसमें आपने कॉपी कमांड है कॉपी लिख दिया स्पेस दे दिया उसके बाद में पाथ देंगे आप यहाँ पे फिर एक स्पेस देंगे फिर जहाँ उसको लेके जाना चाहते हैं वहाँ पाथ देंगे मतलब यहाँ पे आपने पाथ दे दिया उस फाइल के नाम तक और फिर जहाँ पे लेके जाना चाहे चाहते हैं वहाँ वहाँ का नाम देंगे कॉपी हो जाएगा उसके बाद एम कमांड यूज़ करेंगे हम मूव के लिए बाकी पाथ सेम वैसे जैसे बताया आपको वैसे ही देंगे ओके okay. तो क्योंकि अभी हर चीज़ अगर मैं यहाँ करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग पूरा देखते भी नहीं हो स्किप करते हो फिर बाद में किसी का पूरा कंप्लीट समझ भी नहीं आता है तो दिक्कत हो जाती है उसमें एक कमांड और बताना चाहूँगा आपको जैसे मैं एक कोई भी ऐसी कमांड हो कभी आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या कमांड होगी क्या है क्या नहीं तो उसके लिए एक हमारे पास एक वाइल्ड कार्ड बोलते हैं उससे एक कमांड यूज़ करते हैं एम एन ओके एम ए एन लिखने के बाद में आप जिस भी कमांड के बारे में लिखोगे उसको यूज़ कैसे करना है उसके बारे में ये सारा का सारा बता देगा जैसे सपोज कीजिए मैंने अभी अभी आपको क्या बताया मेक डायरेक्टरी बताइए कमांड तो मैंने मैन लिख दिया एम के डी आई आर तो मुझे लिनक्स जो है वो बता देगा कि इस कमांड को यूज़ कैसे करना है तो मैन आपने पहले लगाना है उस कमांड से पहले तो देखिए मेक डायरेक्टरी उसके बाद ऑप्शंस देने हैं एम देना है पी वर्बोस वर्बोस का मतलब दिखेगा तो हर किसी कमांड को यूज़ कैसे करना है तो मेक डायरेक्टरी का मतलब है डायरेक्टरी को बनाने के लिए मेक डायरेक्टरी लिखना है आपने एम के डी आई आर लिखना है उसके बाद ऑप्शंस देने हैं कहाँ पे बनानी है तो किसी भी कमांड्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको जो है यहाँ से मिल सकती है तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे इस टर्मिनल को दोबारा से क्लियर करता हूँ अब जो अगली कमांड हमारी आती है वो आती है यू नेम यू नेम का मतलब है कि मैं जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में हूँ उसका नाम क्या है तो उसका नाम है लिनक्स तो लिनक्स है ठीक है अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें लिनक्स तो है लेकिन वर्जन कौन सा है है ना विंडोज़ में आता है जैसे वर्जन ट्वेंटी होता है ट्वेंटी वन एच टू होता है ट्वेंटी टू एच टू होता है अलग अलग वर्जन होते हैं ना विंडो टेन में भी तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे उसके लिए यूज़ करेंगे यू नेम स्पेस हाइफन ए ए मीन ऑल जैसे एंटरप्राइज किया देखिए लिनक्स जीनियस मेरे सिस्टम का नाम है ये इसका वर्जन दिखा रहा है ये प्रोसेसर दिखा रहा है इसमें ओके ये डेबियन जिसके द्वारा ये बनाया गया है और अपडेट्स दिखा रहा है ये कब से क्या क्या है है ना तो सारी की सारी डिटेल्स आपको कहाँ मिली यू नेम लिखा आपने और स्पेस लिख करके ए मार दिया अब सारी डिटेल्स आपको सारी की सारी मिल गई अब एक कमांड आपकी आती है अप टाइम जैसे आप यहाँ पे अप टाइम लिखेंगे आपका सिस्टम कब से ऑन है कब से चल रहा है वो सारी सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी तो ये आप मुझे ग्यारह बज के पैंतालीस मिनट हो चुके हैं रात के ये देखिए बावन मिनट हो गया सिस्टम ऑन हुए तीन यूज़र्स हैं इसमें लोड एवरेज दिखा रहा है तो ये सारे से कोई मतलब नहीं है मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कमांड जो है किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है नेक्स्ट एक लास्ट कमांड जो हम हमारे पास में आती है वो आती है लेस कमांड तो लेस कमांड को हम किस लिए यूज़ करते हैं किसी फाइल को अंदर क्या है उसको देखने के लिए तो जैसे हम लेस लिखेंगे सपोज़ कीजिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैन एल ली एस एस तो देखिए तो लेस लिख दिया ऑपोजिट ऑफ द मोर तो लेस के लिए आपको क्या करना है लेस लिख दिया आईफन ले करके उस नाम दे देना है किसी फाइल के किस फाइल के अंदर में क्या है तो सारी की सारी आपको डिटेल्स जो है वो शो कर देगा यहाँ पे तो फ्रेंड्स आज हमने क्या किया है पूरी की पूरी, पूरी कमांड्स के बारे में जाना है कि हमें इसके अंदर लिनक्स के अंदर किन किन कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम जो आगे कोर्स को कंटिन्यू करेंगे तो ये सारी की सारी कमांड्स का यूज़ करेंगे कैसे यूज़ करेंगे क्योंकि कहीं पे कॉपी करना होगा तो सी लिखेंगे कहीं पे हमें परमिशन देनी है तो परमिशन का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लियर करेंगे क्योंकि अभी क्या है आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो मैं नहीं चाहता कि आज जो परमिशन सी एच मोड वाला है उसको भी मैं आज ही सीखाऊँ तो आपने बेहतर तरीके से जो आज मैंने बताया है इसको रिवाइंड कर करके अच्छे से समझ करके प्रैक्टिस करके सीखना है और सीखने के बाद में अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसका और उम्मीद करता हूँ आज का जो ट्यूटोरियल आज की जो क्लास आपको अच्छे से पसंद आई होगी पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इसको आप कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिकल पक्का करें साथ में क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के आप लिख के रखेंगे तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है आप प्रैक्टिकल करें इसका जितना प्रैक्टिकल करेंगे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ आएगा कि चीज़ें काम कैसे करती हैं ठीक है तो आज का हमारा जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है इसके बाद हमें जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें थोड़ा सी एच मोड कमांड के बारे में मैं बताऊंगा आपको और साथ ही साथ में हमारा जो एक्सप्लोइटेशन टूल्स है इंफॉर्मेशन गैदरिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हमारा जो एन मैप टूल है उसके बारे में ट्यूटोरियल रहेगा नेक्स्ट वाला तो एन मैप के बारे में बताएंगे एन मैप जो है क्या है कैसे यूज़ करना है किस लिए यूज़ किया जाता है कौन इसका इस्तेमाल करते हैं कमांड्स क्या हैं इसका यूज़ करने के लिए तो सारी की सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी तो आपको फिर से बोलता हूँ एक बार दोबारा से कि आप तो वीडियो को पूरा देखिए समझिए ये चैनल बनाने का मकसद ही यही है आप लोगों को ज्ञान देना आप लोगों को अच्छे से सिखाना आप सीखिए कोई भी चीज़ इस दुनिया में इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना इंसान उसको सोच के बैठा है हर एक वो चीज़ जिसको आप सोच सकते हैं उसको आप कर सकते हैं ओके सो बिलीव इन योर सेल्फ विश्वास रखिए विश्वास ही है विल ही है जो आपको कहीं पे भी कहीं पे भी आपको जो है टिकने नहीं देगी आपको घुटने नीचे नहीं लगने देंगे हमेशा आप सफल रहेंगे ज़िंदगी में ठीक है तो इसी विचार के साथ आपके साथ विदा लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है कुछ सीखने का जज्बा है ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सी एच मोड की कमांड सीखेंगे और एंड मैप टूल के बारे में सीखेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच